मानव का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मस्तिष्क होता है, जो लगातार उन बातों की याद दिलाता है जो उसे दुख पहुंचाती हैं। कभी-कभी जब इंसान अकेला होता है तो वह अधिक प्रसन्न भी रहता है। बोलने में कठिनाई होना दिमाग की समस्या का पहला संकेत है। जानवर जख्म खाने के बाद भी वफादारी निभाते हैं, लेकिन इंसान प्रेम पाकर भी धोखा दे देता है। उन लोगों से दूरी बनाना बेहतर है जिन्होंने आपकी जज्बातों की कदर नहीं की। इस वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि यह वीडियो आपको बहुत से महत्वपूर्ण ज्ञान देगा। कृपया वीडियो को लाइक और कमेंट करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमारे लिए प्रेरणादायक होता है। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करना न भूलें। चलिए वीडियो की अगली भाग में बढ़ते हैं। बड़ा वही व्यक्ति होता है जो दूसरों के दर्द को समझता है। पुरानी बातों पर ध्यान न देकर जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। कुछ लोग आपसे नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। हर रिश्ते की एक सीमा होती है, लेकिन आत्मसम्मान की बात आने पर हर रिश्ता खत्म कर देना उचित होता है। सुबह की नींद इरादों को कमजोर कर सकती है, इसलिए उत्साही लोग देर तक नहीं सोते। जिंदगी के इस चक्रव्यूह में सबसे खतरनाक चोट अपने ही लगाते हैं। हमें जिनसे प्यार था, वे समझते थे कि हम सिर्फ उनके भरोसे हैं। सहायता ऐसी चीज होती है जो यदि दी जाए तो लोग विस्मृत कर देते हैं, लेकिन न दी जाए तो लंबे समय तक याद रहती है। एक व्यक्ति केवल दो लोगों से हारता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के किसी व्यक्ति से। जीवन में इस कदर व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही न बचे। याद रखें, खाली समय का व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। सत्य अक्सर एक तमाशा बनता है, जबकि झूठ की प्रशंसा की जाती है। कभी कभी खुशियों को अपने तक ही रखना चाहिए, क्योंकि हर कोई आपकी खुशी में खुश नहीं होता। लोग आईना तब नहीं देखते जब उसमें सच्चाई की जगह करैक्टर दिखता है। अकेले रहना उतना दुखदायी नहीं है जितना गलत लोगों के साथ रहना। पसंद के लोग आसानी से नहीं मिलते, और जो मिले उनके साथ टिकना कठिन होता है। मेरे इरादे हमेशा साफ सुथरे रहते हैं, इसलिए लोग अक्सर मेरे खिलाफ होते हैं। इश्क भी किसी जुए से कम नहीं है, इसमें न फंसना बेहतर है। दोस्त बनाना हो तो पागलों से करना चाहिए, क्योंकि मुश्किल वक्त में समझदार लोग कम आते हैं। दूसरों को सुधारने के बजाय खुद को सुधारें और नियमों के गुलाम न बने। सही है कि दुख हमें सताता है, लेकिन वही दुख हमें जीने का सबक भी सिखाता है। दुनिया में सबसे कीमती चीज है भरोसा, जिसे बनाने में उम्र लगती है और खोने में एक पल। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से आता है। हाँ, मैं तुम्हारे इंतजार करूंगा, लेकिन अब आवाज नहीं दूंगा। जिंदगी में कब क्या मिल जाएगा ये किसी को नहीं मालूम, इसलिए उम्मीद को जिंदा रखना चाहिए। आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिंदगी अब स्टेशन जैसी हो गई है। लोग बहुत हैं, पर अपना कोई नहीं। अगर कोई आपके पास होने की कदर नहीं करता, तो उन्हें आपकी दूरी का एहसास जरूर कराएं। जब दिल दुखी होता है, तब दुनिया की रौनक भी विष के समान लगती है। तड़प से परिचित होना उस इंसान से पूछो जिसके पास सब कुछ है, लेकिन वह नहीं जिसके लिए वह तरस रहा है। संतोष एक ऐसी दवा है जो बाजारों में नहीं मिलती, वह केवल आपके भीतर होती है। अगर सफलता पाना है तो घावों से बाहर निकलो और सक्रिय बनो, घर पर खाली मत रहो। लालची व्यक्ति वह होता है जिसे हमेशा और अधिक चीजों की चाहत रहती है, चाहे वह पैसे, संपत्ति या किसी और तरह की भौतिक वस्तु हो। ऐसे लोग के कभी संतुष्ट नहीं होते, उन्हें जितना मिलता है वे हमेशा और ज्यादा चाहते हैं। यह लालच उनके विचारों, कार्यों और फैसलों में दिखाई देता है। लालच का मतलब सिर्फ पैसे की चाहत नहीं होता, बल्कि यह किसी भी चीज की अति आवश्यकता या अत्यधिक इच्छा हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति हमेशा और अधिक खा लेना चाहता है, चाहे वह पहले से भरा हुआ हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की मेहनत का फल अपनी मेहनत के बिना छीनने की कोशिश करता है। लालची व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कभी कभी दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोई भी तरीका अपना सकता है, जैसे झूठ बोलना, धोखा देना या किसी और के हक को छीनना। उन्हें यह समझ में नहीं आता कि कभी कभी संतोष और कृतज्ञता से जीवन में शांति और खुशी मिलती है। लालच एक बुरी आदत है,
क्योंकि इससे न केवल खुद का जीवन तनावपूर्ण और दुखी होता है, बल्कि यह दूसरों के साथ रिश्तों को भी खराब करता है। ऐसे लोग अपने स्वार्थ की वजह से मित्रों, परिवार और समाज से दूर हो सकते हैं। लालच को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम अपनी इच्छाओं और जरूरतों को सीमित करते हैं तो हम ज्यादा खुश और संतुष्ट रह सकते हैं। नीति और राजनीति चाणक्य का मानना था कि राजनीति में नीति महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा, राजा वो है जो अपने मंत्रियों का सही चयन कर उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। उन्होंने यह भी कहा कि शक्तिशाली होना जरूरी है, परंतु बुद्धिमानी के साथ अपने शक्ति का उपयोग करना और भी महत्वपूर्ण है। ज्ञान का महत्व चाणक्य के अनुसार ज्ञान सबसे बड़ा धन है। उन्होंने कहा, जिसके पास ज्ञान है वह संघर्ष में कभी हार नहीं सकता। उन्होंने शिक्षा को मानव जीवन का आधार मानकर इसे सभी के लिए आवश्यक बताया। शत्रु और मित्र चाणक्य ने कहा, जो व्यक्ति तुम्हारा मित्र है उसकी पहचान उतनी ही जरूरी है जितनी की शत्रु की। उन्होंने मित्रता की शक्ति को समझाते हुए कहा कि सच्चे मित्र संकट के समय काम आते हैं। आर्थिक संप्रदाय चाणक्य ने अर्थशास्त्र में अर्थ और धन के प्रबंधन के विभिन्न तरीकों का विस्तृत वर्णन किया है। उनके अनुसार धन का जमा होना और उसका सही उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने व्यापार और आर्थिक नीति के महत्व को भी उजागर किया। व्यक्तित्व विकास चाणक्य के सिद्धांतों में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्लेषण पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा, अपने गुणों और कमजोरियों की पहचान करना बहुत आवश्यक है। उन्होंने जीवन में संतुलन बनाने की बात की कि कैसे व्यक्ति अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन का संतुलन बनाए। नैतिकता चाणक्य ने नैतिक सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता को बताया। उन्होंने कहा, नैतिकता का पालन करने वाला व्यक्ति हमेशा सफल होता है। उन्होंने कहा, सच्चाई और कर्म के बिना कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। संघर्ष और संकल्प, चाणक्य ने संघर्ष को जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा माना। उन्होंने कहा, संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करने से ही इंसान की ताकत बढ़ती है। उन्होंने संकल्प के माध्यम से लक्ष्य को साधने की आवश्यकता बताई। चाणक्य की ये बातें आज भी प्रेरणादायक बनी हुई हैं और व्यक्तिगत जीवन से लेकर सामाजिक और राजनीतिक व्यवहार में उपयोगी सिद्ध होती हैं। उनके विचारों को अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जल्द ही अगली वीडियो में मिलेंगे।